सपा के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान पर रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में अब एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आजम खान पर चुनावी जनसभा में महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी देने का आरोप लगाया है। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने थाना गंज पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और महिलाओं की तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। मोहम्मद आजम खान ने बोली ये बात सभी औरतों के बारे में, फितर खाने के चौराहे पे औरतों के कोको का बयान करा इन्होंने, और वहाँ पे खजान खान के कुएं पे भी बहुत बदतमीज बोली, सभी औरतों को बोली बदतमीज। उनसे पूछ के मतलब ये कि बच्चा पैदा करेगा कोई, और उनके जब वो मंत्री थे तो जब भी कोई पूछ के करता ये बोले ही, वो बदतमीज बोलना है औरतों के बारे में। सबने मंत्री बनाया, सबने वोट डाले उनको, और आज वही बदतमीजी बोल रहा है, सबने खड़ा कर दिया था ना। औरतों की इतनी इज्जत है, औरत की कोई इज्जत नहीं है उनकी नजर में। पता नहीं क्यों बनाया था। आपका शहनाज, इस बयान से आपको क्या हुआ था? मुझे तकलीफ हुई। अच्छा, और सभी औरतें एक ही जैसी हैं, सभी हैं, मेरी माँ बहनें हैं, सब हैं, अपनी अजीज मोहल्लेदार सब अपनी हैं, सबको बोलना है तो ये मतलब गंदी बात है नहीं है, ये बोलना चाहिए उनको। आप थाने आई हैं? हाँ, मैं थाने आई हूँ रिपोर्ट कराने। ये क्या दुनिया में कैसा आया अपनी माँ से, माँ भी नहीं। नाम है सलीम जहां। क्या नाम है आपका? मेरा सलीम जहां। क्या हुआ पूरी बात आज आप लोग? हमें इनका भाषण बहुत बुरा लगा। किसका? मोहम्मद आजम खान का। क्या भाषण दिया था? इन्होंने भाषण दिया कि हमसे अगर बच्चे हुए तो हमसे पूछ के कर दे, ये बताइए। फिर क्या हुआ? तो ये बात इनको करना अच्छी लाजिम देती है। इन्होंने हमेशा औरतों के बारे में बुरा ही बुरा कहा, कभी अच्छा नहीं कहा। जिन्होंने जितवाया सबने, ये एक दिन ऐसा था कि इनके पास इतने हालात नहीं थे, ये कहीं खड़े होते। पब्लिक ने इनको जितवाया मगर इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आज ये औरतों को फिर बुरा कह रहे हैं, तो ये बताइए कैसे बर्दाश्त हो जाएगी? तो सारे जहान की औरतें हो गई, जितनी भी इंडिया की, कैसे कोई सुन लेगा? हाँ, सुता खाने में भी ये बात कही, वहाँ पे भी ये बात कही, हद होती है सुनने की, किसी का कोई तहून थोड़ी मरा हुआ कोई सुनता रहेगा? बदतमीज इंसान अपनी औकात भूल गया। 29 तारीख को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मोहम्मद आजम खान, और आसिम रजा समाजवादी के प्रत्याशी के पक्ष में। उस दौरान उनके द्वारा एक भाषण में जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था, कुछ महिलाओं में। वो लोग सब थाने पर आए और उन्होंने ऑडियो और एक तहरीर जो कि थाने पर आकर दी। उनका कहना ये था कि आजम खान जी ने ये कहा है, अगर मैं पिछली 4 सरकार में मंत्री रहा हूं और यदि मैं इस तरह से मैं अपना पावर का यूज करता तो बच्चा भी माँ के पेट से बाहर आने से पहले बोलता कि पूछो आजम खां से बाहर आना है कि नहीं। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, मुकदमा दर्ज हुआ किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है? इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 394B, 354A, 353A, 505(2) और 504, 509, 125 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अब आगे विवेचना की जाएगी, उसके आधार पे आगे, एविडेंस के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी।